मैं प्रेस के साथियों से अनुरोध करूंगा, पीछे देखने वाले लोगों को दिखाई दी हाथ थोड़ा अलग से मेरा कौतुक आपने ले लिया, जो मैं बोलूंगा वो आप ध्यान में वहीं आ जाएंगे। हरियाणा प्रदेश इंडियन नेशनल मोटर पार्टी के अध्यक्ष श्री शंकर सिंह जी राठी, सम्मानित मंच, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्ज्वल भविष्य की बच्चों, आपकी अनुमति हो तो बैठ के बात करूं। आज कोई लंबा थोड़ा भाषण देने के हिसाब से मीटिंग नहीं हो रही है, बल्कि पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देने के लिए मैंने आपको निमंत्रण लेकर के बुलाया। दो हजार पांच में हमारी सरकार चली गई थी और इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, योजनाबद्ध तरीके से उस सरकार ने साजिश और षड्यंत्र के तहत इस बात के लिए मुझे सजा दिलवाई कि हमारी सरकार के वक्त में 3206 पढ़े लिखे युवकों को सरकार की तरफ से नौकरी दी गई थी। नौकरी देने का काम मुख्यमंत्री नहीं करता, तो बोर्ड होते वो बोर्ड तय करते, लेकिन चूंकि जिम्मेवारी वो भारी मान के चलते थे इसलिए साजिश करके मेरे खिलाफ इस प्रकार का इल्जाम लगा करके और मुझे सजा दे रहे। आपको सुनकर के तातुर होगा, जो शिकायत करने वाला था उसको भी 10 साल की सजा और मुझे भी 10 साल की सजा, और जिन बच्चों को नौकरी लगाने के प्रति सजा दी गई उनकी तरक्की हो गई, वो तरक्की नहीं। लेकिन मैंने सरकार के फैसले को मान करके 10 साल से भी अधिक समय तक जेल में प्रकोप समय बिताया। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ये मान के चलती थी जब चुटाला जेल में चला गया इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो गई। पहले भी आपको बधाई दे चुका हूँ, आज मैं बधाई दे रहा हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं। मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया, ये बात आज मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोध पक्ष की पार्टियां उस बात को मान के चलती है। संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाम नहीं। आज आपकी मेहनत का ये नतीजा है कि दूसरी पार्टियों के लोग आज आपकी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी की जबान पर एक बात आ गई कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी। एक बात आप नहीं कह रहे, आम आदमी की जबान पर उर्दू का एक मुहावरा है,
आवाज एक अलग नकारा एक होगा। जब तक जो आवाज होती है तो भगवान का नगाड़ा होता है। इसलिए निश्चित रूप से आपकी स्थिति आपके अनुकूल हालात शानदार है, निश्चित रूप से आने वाला कल आपका है। इसलिए मैंने थोड़े समय में ये मंत्र लेकर के आपको बुलाया और आपसे निवेदन करूंगा कि एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करो। रास्ता भूल गए, बैठ गए, आज वो परेशान, उन्हें कुछ कार्य, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं। हमारा मकसद केवल एक ही है कि हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न को साकार करने के पक्ष में। चौधरी साहब की हार्दिक इच्छा थी कि इस देश का हर नागरिक संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो और उसकी मूलभूत रुपया रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर किया जाए। और इसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। आप इंडियन नेशनल लोकल पार्टी यूपी पोदा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की देन, इस पौधे को आपने अपने खूब से सींचा, लेकिन बदकिस्मती प्रदेश की ये रही जब वो पौधा बंद करने लगा मेरे वर्ग के लोग उसका फट लूट करके ले गए। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, परिस्थितियां बदलती रहती और आप जैसे संघर्षशील और जुझारू लोग अपने हिसाब से परिस्थितियां बदलने में सक्षम। मुझे उम्मीद है कि आपकी मेहनत निश्चित रूप से लग जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में शामिल करो, पार्टी की मेंबरशिप बढ़ाओ। अगर मेंबरशिप के फार्म आपके पास नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरदार कश्मीरा सिंह से संपर्क स्थापित करो और लोगों को मेंबर बनाओ। जो आदमी आपकी पार्टी का मेंबर बन जाएगा पार्टी का काम देगा तो पार्टी के प्रति समर्पित होकर के इस देश की इन विकट परिस्थितियों को बदलने में सक्षम। आज देश की हालत बहुत खराब है, उससे पूर्व वक्ताओं ने मेरे विस्तार से चर्चा किया तो उसमें नहीं जाना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश बनने के बाद जो सरकार बनी सरकार ने जब इनके काम नहीं किए बल्कि हमारी सरकार बनने तक इस देश पर कर्जे का बोझ बढ़ता चला गया। और हमारी जब सरकार बनी हरियाणा प्रदेश की सरकार पर 7,300 करोड़ का कर्जा था। हमने ना सिर्फ उस कर्जे को उतारने का काम किया बल्कि 600 करोड़ की अच्छी योजनाएं बनाई। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकार बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है वो जनहित के कामों में रुचि। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी, मुख्यमंत्री निवास पर जो कोई भी आकर के दरख्वास्त देगा उसको इंसाफ मिलेगा, उसको सुविधा प्रदान की जाए। एक दफा मुझे चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में मैं किसी मित्र से मिलने जा रहा था। इस बात से जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी। मैंने गौर से गाड़ी रोक करके देखा, खिड़की जो थी वो सूखी पड़ी थी, कोई दरख्वास्त देने वाला नहीं था। मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा किसी का काम तो होता ही नहीं, कोई क्यों बेकार चक्कर काट के। आपके सहयोग और समर्थन से जब हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार बनी
हमने उस नीति को बदल दिया। हमारे राज्य में लोग सरकार के पास नहीं जाते थे, बल्कि सरकार लोगों के पास जाते थे। सरकार आपके पास आती थी, हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाता था, नहीं जाता था। और गांव के लोग जो मांग रखते थे तो साइन पूरी की जाती थी कि नहीं की जाती। आज परिस्थितियां बदल गई है। आज ये मुखेरे वर्ग के लोगों के हाथ में सरकार आ गई। इनका काम ये विवेक है कि प्रदेश की दौलत को लूटना है, और दोनों हाथों से आज जनता को लूटने का काम है। 1978 में पार्लियामेंट के चुनाव में मेरे पिताजी चौधरी देवीलाल जी राजस्थान के झुंझुनू के लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। चौधरी साहब जब भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे, सभा में से एक बुजुर्ग ने खड़े होकर के कहा कि चौधरी साहब अब तो भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार होगा। चौधरी साहब समझ नहीं पाए, उन्होंने पूछा वो कैसे। उस बुजुर्ग ने कहा पैसे भी ले लेते हैं, काम में नहीं करते। आज उसकी बात शत सच्ची साबित हो रही है। मौजूदा सरकार में पड़े हुए लोग पैसे भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। लोग बहुत परेशान। इस परेशानी को दूर करने का वाहिद रास्ता केवल एक ही है कि आप संगठन को मजबूत बनाओ, सरकार बनाओ। सीधी भाषा में मैं एक ही बात बोलता, राज बना लो फिर खाए सारे कोर्ट में काट दो। छह को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा काटनी पड़ी थी, और आपके सरकार बनने के बाद हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे हरिजन हो, चाहे बैकवर्ड जाति से हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कारखानेदार का बेटा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कटेरा हो, चाहे किसी बच्चे के माँ बाप ने किसी कारण में सपोर्ट चाहे कहीं भी दिया हो, कोर्ट की वजह से उस बच्चे का नुकसान नहीं मिलेंगे। इसलिए हर बच्चे को उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी, और ये मेरे कहने की जरूरत नहीं। गांव का बच्चा अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव के भलाई के काम करेगा भी नहीं करेगा। इसलिए अच्छे लोगों को नौकरी देगा, और उसके लिए मैं हर बच्चे को नौकरी देगा, चाहे उसके बाद मुझे फांसी पर उठना पड़े मुझे उसकी चिंता। मेरा काम सबसे जरूरी है कि हम चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करें, और उसके लिए मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपके सहयोग और समर्थन से निश्चित रूप से ये लाख लोगों को मिलेगा। और आज हरियाणा प्रदेश की आर्थिक हालत ये है, 2005 में जब हमारी सरकार गई थी तब हमने हरियाणा सरकार के खजाने में लगभग 2000 करोड़ रुपए नकद छोड़े, और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का खर्चा, 2.5 लाख करोड़। जो भी बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा। आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इन्हें हर महीने कर्ज लेना होगा। इसलिए इस प्रकार की रूपेरी सरकार का पतन करने के लिए आप लोगों को निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ेगा। और बड़ा सरल सा संघर्ष है, केवल लोगों को जोड़ने का काम। लोग जब जुड़ेंगे, आपका संगठन जब मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। सरकार जब आपकी बनेगी फिर आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, और इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 4 साल आपको तकलीफ नहीं उठाना, आपको एक अवसर मिलने लगा। हैदराबाद विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हुआ है, कायदे कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए, कोई सीट खाली नहीं है। लेकिन ये डरी हुई सरकार जो है इस चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है, लंबा लटका रही, कितने दिन लटकाएगी,
आखिर तो चुनाव कराना था और चुनाव तो वैसे बात होगा, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। आपका दोस्त साहब उत्साह इस बात को साबित करता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे उन सबकी जमात से शर्त होगी वैलनाबाद का उपचुनाव आप जीतोगे तो नाच करने वाले लोगों में भंकर मच गए। इनके चुने हुए प्रतिनिधि जो अपनी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं और सारे के सारे विधायक जो है वो इनको छोड़ करके भाग रहे हैं। और जब सरकार आज दिसंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर जीत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप तो आप खुल करके सारी बात करेंगे। आप तो आपसे एक ही बात करने आया हूँ, संगठन को जारी काम करते हैं तो उसमें देखते हैं इसकी कोई अच्छी होती है। और इसलिए संस्था का चयन सबसे पहले हमने इसलिए किया है, संस्था के लोग मजबूत है, भरपूर है और संगठन के प्रति समर्पित है। आपकी मजबूती का शुभ परिणाम निकलेगा निश्चित रूप से, आने वाला कल आपका होगा। और मैं पुनः वायदा करके जा रहा हूँ कि आपके जब सरकार आएगी तो आपको सारे कोर्ट दे जाएंगे, आपको सारी सुविधा दी जाएगी। आप आए, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद।